नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। हमने अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से रूबरू कराया जो किसी न किसी क्षेत्र में जिन्होंने समाज के लिए एक अच्छा काम किया है। लेकिन आज हम आपको हमारे कार्यक्रम उम्र में सबसे छोटी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने काम बहुत बड़ा किया है और देश का नाम रोशन किया है। तो आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है काइकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स में। From this young Indian duo, as I said, 16-year-old Arjun Singh powering his boat, and they are just about a third of a second in the lead at that 16-year-old Arjun Singh out of that Indian boat. So, namaskar Arjun ji, aapka hamare is karyakram mein bahut swagat hai. Aap is sports mein kaise aaye aur kis tarike se aapko kisse prerna mili is sports mein aane ke liye? Main UP Baghpat से बिलोंग करता हूँ और मेरे मामा करते थे इस गेम को पहले से ही, तो वो अभी आर्मी में सूबेदार के पद पे भी है, वो भी नेशनल में काफ़ी मेडल है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है। मेरी प्रेरणा वही है, उन्होंने रुड़की उत्तराखंड रुड़की में मेरा स्पोर्ट्स सेंटर में एडमिशन कराया, तो वहाँ से स्पोर्ट्स मैंने स्टार्ट किया। रुड़की की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ऐसी कौन सी नदी है या तालाब है जहाँ पर आपने स्पोर्ट्स है इसकी तैयारी शुरू करी? वहाँ पे एक गंगा नदी है, उसका पानी ठहरा हुआ है, तो वहाँ पे चार सेंटर्स है, आर्मी, माँ गंगा वाटर स्पोर्ट्स, शिवालिक क्लब। मैं शिवालिक क्लब पे करता था वैसे, तो वहाँ पे मेरे मामा ने एडमिशन कराया था मेरा, वहाँ से ही मैंने शुरुआत किया मेरे फ्यूचर का। तो ये जो आपने शुरुआत करी आपने इस गेम की, ये किस उम्र से आपने शुरू की? मैंने 13 साल से। अच्छा, सक्सेस मिलती है तो किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते तो आपका कोई ना कोई एक गुरु होता है, तो आपका कौन गुरु था जिससे आपने प्रेरणा ली और आप इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़े? मेरे गुरु थे पीयूष शर्मा, तो उन्होंने मुझको बचपन से ही बहुत लाड से मतलब मेरे को कराया, बहुत ही प्यार से रखा, तो एक तरह से वो ही है मेरे गुरुजी। जब आप इस स्पोर्ट्स को करना शुरू किया तो अब जैसे ये पानी से जुड़ा हुआ गेम है तो इसमें कई लोगों को पानी में देखकर लोग रोमांचित होते हैं और कुछ लोग डरने लगते हैं, तो आपको कब ऐसा लगा कि पानी आपके लिए रोमांचित करता है या आपको उससे कभी डर भी लगा हो? जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले दिन मेरे में इतना रोमांचित था कि मैं आज तो स्विमिंग करूंगा, पर जब मैं पानी में उतरा, क्योंकि फर्स्ट डे था तो स्विमिंग आती नहीं थी मेरे को, पर जब मैं उतरा तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, बहुत ही बहुत ज़्यादा। फिर मैं पानी में जाता ही नहीं, सर मेरे को मेरे जो कोच थे वो भेजते ज़बरदस्ती, मैं नहीं मगर नहीं जाऊँगा सर ऐसा थोड़ा। तो जब उस टाइम स्टार्ट किया था तो स्विमिंग में बहुत ज़्यादा डर लगा, पर जब स्विमिंग आ गई उसके बाद मैंने बोटिंग स्टार्ट करी, थोड़ा बैलेंस हुआ तो उसके बाद रोमांचिक हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद तो मन करता था कि हाँ और करो और करो और करो, तो मतलब जो पानी से जो डर था वो आपका हाँ निकल गया जैसे ही स्विमिंग आई। जी, क्या इस गेम के लिए स्विमिंग आना भी जरूरी है? स्विमिंग इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे रेस करके आए तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ जाते हैं, इतना ज़्यादा रेस मारने के बाद थकावट हो जाती है बॉडी में, तो इसलिए स्विमिंग इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब भी इस गेम का कोई इवेंट होता है या जब इस कंपटीशन होता है तो उसके पहले कोई ना कोई प्रैक्टिस कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है, तो इसके पहले क्या स्विमिंग कराई जाती है या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराई जाती है? हम जब करते हैं ना जैसे मेरा 1 घंटे बाद इवेंट है, रेस है, तो उससे पहले हम वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रनिंग, पुशअप्स, चिन अप्स एंड अदर एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज। तो क्या है कि हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होने के बाद हम बोटिंग में ऐसे नहीं कि थोड़ा बॉडी ठंडा है तो मसल्स नहीं खुले,
मसल्स खुलने के बाद हमारी और ज्यादा अच्छी चलती है बोट। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ कहाँ ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी है अच्छी जहाँ पर लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं? और आप भी कई, अब आप एशियन लेवल पर पहुँच गए तो आप भी कई एकेडमीज में आपने प्रैक्टिस की होगी, तो कहाँ आपको लगा कि अच्छी सुविधा इन एकेडमीज में मिलती है और यहाँ से एक प्लेयर को एक नई दिशा मिल सकती है और वो मेडल हासिल कर सकता है? मैंने पहले रुड़की किया है, फिर मैंने उड़ीसा किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी में साई की तरफ से, उधर भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था उधर भी, पर मेरे को उधर थोड़ा फीवर रहता था तो मौसम सूट नहीं आया। पर फिर मैं एमपी एकेडमी में आया तो एमपी एकेडमी में मुझे लगा कि मतलब इक्विपमेंट अच्छे है, डाइट वगैरह, न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे लगा एकेडमी में, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सपोर्ट एकेडमी में था। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप किस एकेडमी को अच्छा मानेंगे कि जहाँ फैसिलिटीज अच्छी है, इक्विपमेंट अच्छे हैं और सुविधाएं अच्छी है कि जो प्लेयर्स को अच्छे लगे? ऐसे पता चलता है मैम कि इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इक्विपमेंट नहीं होगा तो फिर हम इतना कैसे कर पाएंगे। फिर डाइट और कोच, कोच बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अभी जैसे मैं एमपी एकेडमी में था, आज तक और कोई भी जितने सेंटर्स है उनमें आज तक फॉरेन कोच कभी नहीं आया, बट एमपी एकेडमी ने फॉरेन कोच बुलाया था स्पेशल, तो इसलिए मुझे सबसे बेटर एमपी एकेडमी लगी। क्योंकि अगर कोच अच्छा है तो प्लेयर के मेडल लाने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो उतना ख्याल रखता है अपने स्पोर्ट्स पर्सन का। बिल्कुल, कोच पूरा ध्यान रखेगा ना, फोकस के साथ कराएगा, पूरा ध्यान रखेगा तो एक प्लेयर में भी इच्छा होती है करने की कि हाँ ये करेगा। जब कोच भी ये देखता है कि हाँ ये बच्चा मेहनत वाला है तो वो उस पे ज्यादा फोकस देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा तो वो भी फोकस नहीं देगा, बट जो मेहनत कर रहा है तो कोच उस पे अपनी जी जान लगा देगा, पूरा फोकस देगा, यहाँ तक कि उसको खाना, डाइट और भी अच्छा कराएगा, सब ए टू जेड उस पे फोकस रखेगा पूरा। तो मतलब हम कहेंगे कोई भी एकेडमी तब बहुत अच्छी मानी जाएगी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जब वहाँ पे इक्विपमेंट भी अच्छे हो और कोच का होना बहुत जरूरी है, कोच अच्छा होना जरूरी है, कोच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा, वही मध्य प्रदेश के लोग नहीं कर पाए और आज आप यूपी से मध्य प्रदेश में आके आपने देश का नाम रोशन किया है, तो क्या कारण होगा कि जो यहाँ के जो लोग है वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए? उनका घर यहीं पे पास में पड़ता है, वो रोज की रोज जैसे संडे आया घर पहुंच गए, अपने रोज उनको मम्मी पापा से मिलने को मौका मिलता है, तो इसलिए इतनी ज्यादा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से ही समझ लो कि वो तो घर पे रह रहे हैं। बट हम लोग क्या है कि बाहर से आके कर रहे हैं तो हम पूरा खाली इसी चीज के लिए आए, गेम गेम हमारा पूरा फोकस है, वो इतना करते है, अच्छा करते है, बट इतना फोकस के साथ नहीं कर पाते जितना हम कर पाते है घर की सिचुएशन के हिसाब से, और बाकी क्योंकि इतना दूर से आ रखे हैं, हम रोज नहीं मिलने जा सकते उनकी तरह, तो इसलिए हम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ज्यादा फोकस से करते हैं उन लोगों, मतलब अगर घर से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस होके काम कर पाएंगे और कंफर्ट जोन में रहेंगे तो उतना अच्छा फोकस नहीं करेंगे, ऐसा आपका सोचना है? यस। बात करें चाहे स्पोर्ट्स की हो चाहे पढ़ाई की हो, तो नंबर वन एक ही इंसान आ सकता है, और आपकी अगर हम बात करें तो आपने एशियन गेम में आप तीसरे नंबर पर आए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि आप नहीं आ पाए नंबर वन पर, तो ऐसी कौन सी कमियां रही होगी उस बारे में आप बताइए? पहले तो मैं इधर से जाने से पहले थोड़ा बीमार पड़ गया था, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई मुझको, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी मेरी, जुखाम के कारण मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था, फिर उधर पे जाने के बाद थोड़ा हाई अल्टीट्यूड मिला, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक ये कारण भी है, बट हमारी पावर और स्ट्रेंथ बहुत कम है उनके मुकाबले, हमको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा पावर बनाने में, स्ट्रेंथ बनाने में, बॉडी वेट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, बाकी यही कमियां है, बाकी तो सब सेम है, टेक्निक सेम है, रेस लड़ने का तरीका हमारा थोड़ा उनसे अच्छा ही मानता हूँ मैं, उनकी बॉडी पावर हमारे से थोड़ी ज्यादा है बस। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो स्पोर्ट्स में बाहर भी जाना हो या ट्रेनिंग भी लेनी हो तो उसके लिए कितनी मददगार साबित होती है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार? बहुत ही ज्यादा मददगार होती है, क्योंकि हमको
अभी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ से क्या है कि फॉरेन कोच आया था, तो उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पहले बुलाया था फॉरेन कोच, अभी दोबारा बुलाया तो बहुत ही ज्यादा, अब की बार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है फिलहाल। प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, प्लेयर्स को जो भी चीज की कमी लगती है एक बार बोलने की जरूरत पड़ती है, सरकार तुरंत के तुरंत वो चीज अगले दिन हमको मिल जाती है। अब की बार बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब आपको लग रहा है कि अब जो चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात करें, अब वो प्लेयर्स की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है पहले की अपेक्षा? बहुत ज्यादा फोकस दे रहा है, बहुत ही बहुत ज्यादा। मुझे तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे और भी बातें करते हैं। आज हाउस नेचर में बसा हुआ एक बड़ा सुंदर सा लगा, मुझे ऐसे लग रहा कि मैं नेचर के बहुत ज्यादा करीब आ गई हूँ। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सुंदर, मजा आ गया यहाँ पे। तो हम लोग को ऐसा लग रहा हम लोग अपने घर के गार्डन में बैठ कर एंजॉय कर, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पे, बड़े बड़े झाड़ लगे हैं, पर यहाँ आपको एक्चुअल रिजॉर्ट की फीलिंग आएगी, जहाँ इतनी अच्छी ग्रीनरी है, हर तरह का पेड़ पौधे हैं और एक जंगल वाला टच, पूरा एक गाँव वाली फीलिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा कि मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब आ गई हूँ। यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं भोपाल में हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं बाहर आ गई हूँ भोपाल से। बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय किया यहाँ। शहर से पास भी है, शहर से दूर भी है, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे, बड़े बड़े झाड़ लगे हैं, दुनिया भर की एंटरटेनमेंट की यहाँ पे चीज़ें हैं, खाने का जवाब नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा मजा आ रहा है यार। खाना भी बड़ा नेचुरल था और सब लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा। सबसे अच्छा मुझे यहाँ ग्रीनरी और मुझे बिल्कुल जो गांव रहते हैं वहाँ की याद आ गई। यहाँ चूल्हे पे रोटी बन रही थी और यहाँ का जो डेकोरेशन था वो पूरा सभी गांव जैसे था, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी छोटे से गांव में आ गई हूँ और बहुत इंजॉय किया। ऐसा लगता है कि हर बार 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 लोग मिले यहाँ पर, तो सब लोग को इतनी रौनक बनी रही, बहुत अच्छा लगा। किसी भी जगह सब होना अच्छा है और ये तो आप लोग तो कार्यक्रम करण करण कर बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया, अच्छा लगा। इस जगह आकर हम सब लोग मिले तो हम लोग को ऐसा लग रहा हम लोग अपने घर के गार्डन में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा और जितने हमारे सभी साथी हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब बहुत खुश हैं। इसके आगे 5 स्टार कहीं नहीं लगता। तो अर्जुन जी, स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम में। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप इंटरनेशनली कौन से कंट्रीज में गए हैं और आपने इंटरनेशनल गेम्स अटेंड किए हैं? मैं उज़्बेकिस्तान गया हूँ सबसे पहले एशियन चैंपियनशिप, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप गया हूँ जर्मनी, और अभी एशियन गेम्स खेल के आया था चाइना में। और अभी आगे भी आप अभी जाने वाले हैं किसी और? अभी नेक्स्ट मंथ नेशनल गेम्स है गोवा में, वो तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। जी, तो अब जैसे आप इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में गए हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो वहाँ के लोग हैं स्पोर्ट्स को लेकर ज़्यादा, मतलब स्पोर्ट्स लवर की हम बात करें, तो ऐसी कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिला कि जो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ आपको कहाँ देखने को मिला?
उज्बेकिस्तान और चाइना में मुझको ज्यादा लगा, क्योंकि जर्मनी में तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग गुस्से में घूमते थोड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने दो तीन इफेक्ट्स देखे, क्योंकि मैं बाहर के लोगों से कुछ बात करेंगे तो वो जर्मनी वाले कुछ रिप्लाई भी नहीं देते, वो देखते भी नहीं, वो सीधा निकल जाते हैं। बट मैं चाइना गया, चाइना मैंने मेडल लिया तो मेरे साथ कितने लोगों ने फोटो खिंचाए, मेरे ऑटोग्राफ भी लिए, ऐसे पब्लिक ऐसे कर रही थी कि सर सर फोटो फोटो फोटो। चाइना वाले बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे लगे थोड़ा स्पोर्ट्स के मामले में कि हाँ इनमें इंटरेस्ट है। बाकी उज्बेकिस्तान के भी लोग मुझको अच्छे लगे, क्योंकि जब मैंने उज्बेकिस्तान में गोल्ड लिया था तो उधर भी मेरे साथ फोटो खिंचाए थे उन्होंने, बट जर्मनी वाले तो नहीं खिंचा किसी ने। लेकिन चाइना में ज्यादा स्पोर्ट्स को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट आपको देखने को मिला? चाइना में मेडलिस्ट को रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। जैसे आपने यहाँ की भी एकेडमीज देखी है, चाइना में भी आप गए, चाइना में भी आपने कुछ ना कुछ जो स्पोर्ट्स एकेडमीज देखी होगी, वहाँ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या वो हमसे बेहतर है? इतना ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा सेम सेम है, बट थोड़ा उनके पास इक्विपमेंट हमसे भी थोड़ा और ज़्यादा है, बोर्ड और मतलब हमारी गेम की एक्सरसाइज की मशीनें उनके पास थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। बाकी तो मुझको लगता है बराबर है। कि आपने एशियन गेम्स में आपको ब्रॉन्ज मिला, लेकिन फर्स्ट कौन सी कंट्री आई और सेकंड कौन सी कंट्री आई? फर्स्ट उज्बेकिस्तान, सेकंड कजाकिस्तान। इनमें ऐसा क्या अच्छा था आप लोगों से, बेहतर उन्होंने किया, या आप लोगों में क्या कमी थी, क्या देखने को मिला? थोड़ा हमारा रेस प्लान थोड़ा गलत था, बाकी क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि स्टार्ट का जो 500 मीटर था हमसे थोड़ा पीछे रहे, हम फर्स्ट पे चल लेते 500 मीटर था, हमने ज्यादा जान लगा दिया, थोड़ा फर्स्ट 500 मीटर था जो उसमें ज्यादा जान लगाया, बट सेकंड में हम डेड हो गए, डिसबैलेंस भी हुआ, पावर भी खत्म हो गया, बॉडी भी बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। तो ये है कि उन्होंने स्टार्ट थोड़ा कम लिया लॉन्ग लॉन्ग में, बट लास्ट का 500 मीटर सो फास्ट मारा उन्होंने। हमारी मिस्टेक थी कि हमने स्टार्ट में इतना लिया, कहीं ना कहीं ये मुझको हमारी गलतियां लगती है। अब जो अभी इस बार आपने जूनियर चैंपियनशिप आपने खेली थी, अब आप अगले साल सीनियर में पहुंच जाएंगे, तो जो अभी जूनियर में जो टाइमिंग होता है वो और जो सीनियर में होगा उसके टाइमिंग में कुछ फर्क होगा, तो अभी बताइए कि अब इस बार जो आपने कंपटीशन खेला इसमें क्या टाइमिंग थी आपकी, और आगे जो सीनियर में आने के लिए क्या टाइम आपका रहेगा, मतलब किस तरीके का गेम प्लान रहेगा? अभी 1000 का मेरा टाइम आता है 401, नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट रहेगा 355। मुझे लगता है मैं दे दूंगा। 355 इंटरनेशनली बाहर इतनी आपने अभी अटेंड की है चैंपियनशिप, तो ये बताइए कि इसमें डोपिंग जो टेस्ट की हम बात करते हैं या मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो वो किस तरीके के टेस्ट होते हैं, और आप जब बाहर जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है कि डोपिंग टेस्ट में कोई ना घिरे? डोपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा है हमारे गेम में भी, मतलब अदर गेम्स के भी सुना है मैंने, कितने लोग फंसते हैं डोपिंग में, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम किसी और की बोतल से पानी भी नहीं पी सकते, अपना पानी ले जाना पड़ता है, वो भी सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है, क्या क्योंकि लोग क्योंकि सोच का क्या पता कि क्या कब क्या मिला दे पानी में कि ये डोपिंग में आ जाए। और मेडिसिंस हमको सपोज करो कि अभी मुझे फीवर आया था जाने से पहले, तो इतने सेफ्टी के साथ मेडिसिंस ली थी ना मैंने, हमारी एमपी एकेडमी ने दिलवाई थी मुझसे, डॉक्टर के साइन और पूरा उनका पर्चा सब रखना पड़ता है साथ में, क्योंकि अगर डोपिंग में एक बार आया ना तो लाइफ फिनिश। तीन चार साल के लिए जी बैन। अब जैसे आपने डोपिंग टेस्ट किया, और मेडिकल टेस्ट ये कब और कैसे किए जाते हैं? जैसे अभी मेरा मेडल आया, तो मेडल आते ही तुरंत डोपिंग टेस्ट के लिए ले जाते हैं, और बाकी जैसे इंटरनेशनल
ट्रायल हुए हमारे इंडिया में, तो उसमें भी मैंने फर्स्ट मारा, तो डोपिंग टेस्ट तुरंत ऐसे हमारे मतलब जो भी फर्स्ट आता है या सेकंड थर्ड उनका डोपिंग टेस्ट होता है। मूवीज में भी हम देखते हैं कि कई बार स्पोर्ट्स पर्सन पे जो मूवीज बनती है उसमें ज्यादातर देखा जाता है सिलेक्शन में पॉलिटिक्स को हम देखते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? आपको क्या लगता है कि आपके इस गेम में भी, काइकिंग कैनोइंग की हम बात करें, इसमें भी राजनीति चलती है सिलेक्शन में? हमारे गेम में वैसे जो अच्छा करता है वैसे वो ही सिलेक्शन होता है ज्यादातर, बट देखा एक दो पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि हमारे गेम में भी है, लगता है आपको जी कि कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट पे आ जाती है। ये गेम मेंस भी है और वुमेन्स के लिए भी है, तो कितना वुमेन्स इसमें आगे बढ़ी है काइकिंग कैनोइंग में, कितना नाम रोशन किया है आप? काइकिंग कैनोइंग में गर्ल्स अभी तो वो फाइनल में गई थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। पहले तो नहीं था इतना अच्छा, क्योंकि पहले गर्ल्स हमारी इतनी वीक थी कि वो फाइनल भी नहीं खेल पाती थी। अभी वो फाइनल भी खेलती है, फाइनल में भी अच्छा रैंक मारती है, फिफ्थ या सिक्स, बट मेडल से चूक जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा उनका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा करेगी, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा लेवल अप हो रहा है गर्ल्स का भी। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने फोकस किया अपने गेम पर और आज आपने मेडल देश के लिए जीता है, ऐसे ही हमारे दूसरे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए अपने गेम पर आगे बढ़ने के लिए और मेडल जीतने के लिए, उस बारे में? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवर्क है, जो हार्डवर्क करेगा वो आगे जाएगा, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं भी पहले थोड़ा ऐसी नहीं करता था, बट फिर मेरे मेडल आए तो मैं बहुत हार्ड वर्क करने लगा। जैसे जैसे मैंने हार्ड वर्क ज़्यादा किया तो सक्सेस अपने आप पास आने लगती है, ऐसा लगता है कि कितना ईजी है, बट हार्ड वर्क नहीं करते तो जैसे मैं सिलेक्शन ट्रायल में भी उतरता हूँ, मैंने हार्ड वर्क नहीं किया सपोज, तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही डाउन होता है, बट मैं हार्ड वर्क करके ट्रायल में उतरूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर रहता है। एक तरह से ऐसा सोच लेता हूँ मैं तो कि मैंने तो हार्ड वर्क किया है, बाकी भगवान के हाथ में, देखो कितना है कि नहीं है भगवान, थोड़ा ऐसे रहता है। बट जब हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, मेरा मानना ये है, बट हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपको इस एशियन गेम में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हमारी न्यूज़ एंड व्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, और आगे भी आप बहुत से मेडल जीते और देश का नाम रोशन करें और ओलंपिक तक आप पहुँचे और उसमें भी हमारे भारत का नाम रोशन करें। इसी आशा के साथ हमारे इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।